हाय फ्रेंड्स, मुझे मुजुमदार फार्म से आपका स्वागत है। तो आज हम दाने के ऊपर बात करेंगे, कौन सा फीड, कौन सा दाना किन उम्र में देना चाहिए और फर्स्ट में क्या चाहिए, फिर बाद में क्या चाहिए, उसके ऊपर आज बात करेंगे। आज काफ़ी सारा दाना हमारे पास आए हैं, तो इसके लिए हम बता देंगे आपको कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे क्वालिटी आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा दाना यहाँ पर उतरा हुआ है। तो ये सब कैसे यूज़ करना है और कौन सा किस में आता है, स्टार्टर कौन सा है या फिर ग्रोअर कौन सा है या फिर कौन सा उम्र में ये देना है, इसके बारे में आज हम आपको बता देंगे। तो सामने आपको काफ़ी सारा बोरा दिख रहा होगा जिसमें दाना है, फीड है मुर्गियों के लिए। तो ये जो दिख रहा है ये स्टार्टर है और ये ग्रोअर है। तो इसका कैसे साइज आता है, कितना कैसे उम्र में किसको देना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसको देख सकते हैं, ये है न्यूट्री ब्रेस्ट, गोदरेज का है न्यूट्री ब्रेस्ट स्टार्टर। हाँ ठीक है। तो ये स्टार्टर क्या आता है, छोटे बच्चे के देने के लिए आता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है उसका अच्छा ग्रोथ होता है। और ये देखते हैं ग्रोअर का, ग्रोअर है, ग्रोअर मतलब स्टार्टर के बाद आप देख सकते हैं जब उसका बॉडी ग्रोथ होने लगा तब उसको दे सकते हैं। ये भी वही है, गोदरेज का ग्रोअर है। तो यहाँ पे ये साइज़ देख सकते, थोड़ा सा आप ऐसे साइज़ में ग्रोअर आता है, थोड़ा सा बड़ा क्वालिटी में आता है। और स्टार्टर भी कैसे आता है वो हम दिखा रहे हैं। इसको देना है कम से कम डेढ़ महीने के बाद, ठीक है, मुर्गी को डेढ़ महीने के बाद ग्रोअर देना है। और स्टार्टर जो है वो 5 से 7 दिन के बाद देना है, उससे पहले प्री स्टार्टर आते हैं उसको भी उसको देना पड़ता है। तो स्टार्टर कैसे साइज़ में आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे खुला हुआ स्टार्टर है, ये देखिए आप देख सकते हैं स्टार्टर ऐसे साइज में आता है। इसको छोटे छोटे मुर्गी भी खा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि छोटा दाना सब मुर्गी में आ जाएगा। और इसमें प्रोटीन थोड़ा हाई प्रोटीन रहता है क्योंकि छोटा मुर्गी थोड़ा कम खाता है, तो इसमें क्या होता है प्रोटीन ज़्यादा लगता है उसको। तो ये देखिए ये दूसरा कंपनी का है, ये दूसरा कंपनी का, वो गोदरेज का था, ये फिर दूसरा कंपनी का है, ये खुला हुआ है था इसलिए हमने दिखा स्टार्टर का साइज़ यही आता है। और ये ग्रोअर है तो ग्रोअर का साइज़ अलग आता है, ग्रोअर का साइज़ थोड़ा बड़ा आता है क्योंकि थोड़ा मुर्गी बड़ा हो गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 70 बोरा जैसा दिख रहा है, 70 पैकेट यहाँ पे आया है अभी। तो ये भी एक फार्म में जाने वाला है। ये ग्रोअर इतना ज़्यादा आया क्योंकि जो मुर्गियाँ है वो मुर्गी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, डेढ़ महीना उसको कॉर्स कर चुका है, तो उसको बड़े दाने दे सकते हैं। और छोटा मुर्गी रहा तो उसको छोटा दाना देना पड़ता है क्योंकि छोटा दाना नहीं दिया तो उसका ग्रोथ आएगा नहीं। इस साइड में दिख रहा है ये स्टार्टर है गोदरेज का, ये ग्रोअर है। और अगर आपका मुर्गी अंडा देने लायक हो गया, फिर अंडा देने लगा, ऐसा कुछ हुआ तो इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं ये एक क्रोम एक है, क्रोम एक लेयर का है और गोदरेज का ये भी है। इसको अगर अंडा देने लग गया मुर्गी तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अंडा काफ़ी ज़्यादा देता है, इसमें चर्बी कम होता है तो अंडा ज़्यादा देने लगता है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं अंडे के लिए, ठीक है। और ये तीन दाना आपने यूज़ किया तो भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टार्टर देना है, उसके बाद ग्रोअर देना है, उसके बाद अंडे के लिए जो एग है उसको दिया तो ही काम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया दाना कौन सा यूज़ होता है हमारा मुर्गियों में। तो वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम देसी मुर्गी पालन के ऊपर सारे वीडियो लाते रहते हैं। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा, सारी जानकारी मिलते रहेगा। धन्यवाद।